हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 12 ग्रामीण विकास पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है त्रिस्तरीय पंचायती राज्य। भारत में आपके 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य को अपनाया गया। इसी त्रिस्तरीय पंचायती राज्य को जब हमारा वर्ष 2000 में हमारे इस नए राज्य का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो इसी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस त्रिस्तरीय पंचायती संरचना को हमारे प्रदेश में भी अपनाया गया। अब समझिएगा, ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आपका आर्थिक और सामाजिक न्याय के जो 29 कार्य है, जो कि आपके 11वीं अनुसूची में उल्लेखित है, 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 कार्यों का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। 73वें संविधान संशोधन में तथा भारत के संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लेखित 29 कार्यों का, कौन से, आर्थिक और सामाजिक न्याय के 29 कार्यों का जो क्रियान्वयन है वो पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 29 कार्य। ठीक, देखिए, हमारे जो प्रदेश में जो वर्तमान में जो पंचायत की स्थिति है, जिला स्तर पर आपका यानी जिला पंचायत 27, जिला पंचायत 146, ग्राम पंचायत 146, जनपद पंचायत और आपका 10976 आपके ग्राम पंचायत है। देखिए, जिला पंचायत 27, जनपद पंचायत 146, ग्राम पंचायत 10976। इंपॉर्टेंट है, आंकड़े याद रखिएगा। जनसंख्या, हमारे प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 2,55,00,000। जनगणना 2011 के अनुसार हमारे प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है आपका 2,55,00,000। ठीक, इस 2,55,00,000 में से जो ग्रामीण जनसंख्या है, आपका 1,96,00,000। 2,55,00,000 जनसंख्या में से 1,96,00,000 जनसंख्या आपके ग्राम में निवास करती है, यानी ग्रामीण जनसंख्या है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का 76.76% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का 76.76% जो आबादी है वो आपकी ग्रामीण आबादी है। इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज याद रखिएगा। जनगणना में, जनगणना से यदि प्रश्न पूछता है तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत स्पेशली आपके जनजाति बहुल क्षेत्रों को या दुर्गम क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जहां पे आपका राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल के माध्यम से इन क्षेत्रों पर शासन करता है। ज़्यादा डिटेल पर हम जाएंगे नहीं, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो आपका अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र आपके संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत, 244(1) के अंतर्गत आपके अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तथा अनुसूची पांच में आपके इस अनुसूचित क्षेत्र के बारे में इसकी परिभाषा बताई गई है। ठीक, अब समझिएगा, हमारे प्रदेश में जो आपके पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण रूप से 13 जिले शामिल किए गए हैं, जबकि आंशिक रूप से 6 जिलों को शामिल किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हमारे प्रदेश में, देखिए, हमारे प्रदेश में कितने जिले हैं, हमारे प्रदेश में आपके 27 जिले हैं। इन 27 जिलों में से 13 जिले को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है, जबकि 6 जिलों को आपका आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। अभी जिले कौन कौन से है देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, वो जिलों की सूची को याद कीजिएगा। देखिए, पूर्ण रूप से जो आपके अनुसूचित क्षेत्र में शामिल 13 जिले, एक है आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव। ठीक, यानी बस्तर संभाग के 7 जिले। उसके बाद है आपका सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा और जशपुर। ठीक, देखिए, बस्तर संभाग के 7 जिलों के नाम याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपका सरगुजा संभाग में आपका कोरिया है, बलरामपुर है, सूरजपुर है, सरगुजा है, जसपुर है। ठीक, फिर एक आता है आपका कोरबा, बिलासपुर संभाग से एक है आपका कोरबा। ठीक, अब देखिए, आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल 6 जिले कौन कौन से है, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग और रायपुर। ठीक, यहाँ पर जगह नहीं है करके मैं नहीं लिख पाया स्क्रीन पर, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। इन सूची को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, यदि हम देखें तो ये जो आपका 13 पूर्ण जिले और 6 जो आपके आंशिक जिले जो कि अनुसूचित क्षेत्र की सूची में शामिल है, तो इन पूरे के पूरे जो जिले हैं, यदि देखा जाए तो हमारे प्रदेश में
टोटल आपके इन जिलों के अंतर्गत, इन जिलों के अंतर्गत जो आपके जनपद पंचायत है, कुल 85 जनपद पंचायत, कुल 85 जनपद पंचायत और 5050 ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र की सूची में शामिल है। ठीक है, 85 जनपद पंचायत, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे प्रदेश से कितने जनपद पंचायतों को आपका अनुसूचित क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया है, तो कितने हैं? 85 जनपद पंचायत। कितने ग्राम पंचायत आपके अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वो है आपका 5050 ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र की सूची के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, आंकड़े याद रखिएगा। नेक्स्ट है मनरेगा। मनरेगा जो कि है, इसका फुल फॉर्म है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। क्या है ये? ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई आपकी 2 फरवरी 2006 को। अधिनियम आया था 2005 को। इसकी शुरुआत हुई थी अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी। समझिएगा, इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो आपका योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, इसके लिए पात्र कौन होंगे? इसके लिए पात्र ग्रामीण क्षेत्र के वयस्क अकुशल श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्र के वयस्क अकुशल श्रमिक। देखिए, अकुशल, कुशल नहीं, कुशल मतलब होता है ट्रेंड, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे अकुशल श्रमिक, जिन्हें आपका उस कार्य का जो नॉलेज नहीं रहता, ठीक, ये होते हैं अकुशल श्रमिक। तो इसमें पात्र कौन होंगे? ग्रामीण क्षेत्र के वयस्क, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के, ग्रामीण क्षेत्र के वयस्क अकुशल श्रमिक इसके अंतर्गत पात्र होंगे। ये प्रश्न आपके ADO एग्जाम में पूछा गया था, कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिक, याद रखिएगा अकुशल श्रमिक। ठीक, अब देखिए रोजगार कैसे प्रदान किया जाएगा। इसमें भारत सरकार के जो ये जो अधिनियम लाया गया था आपका मनरेगा का, उस अधिनियम में उल्लेख किया गया है कि आपके प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, कम से कम 100 दिन का रोजगार। और किन्हें दिया जाएगा? देखिए, प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है। ये आपके कथन वाले प्रश्न में इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं लोग फंसते हैं। प्रति परिवार, अगर एक परिवार में 5 सदस्य है तो उन 5 सदस्यों का एक जॉब कार्ड बनता है। ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें नहीं जाएंगे। एक जॉब कार्ड होता है, जॉब कार्ड जो कि ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड रहता है, उस पूरे के पूरे परिवार के कोई भी सदस्य जाकर के काम कर सकता है। लेकिन मिनिमम 100 दिन का आपका रोजगार इसमें दिया जाता है। 100 दिन परिवार का कोई भी सदस्य अगर जाकर कार्य करता है तो वो काउंट होता है। तो प्रति परिवार, पूरे के पूरे परिवार, प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार इसके अंतर्गत दिया जाता है। ठीक, प्रति व्यक्ति नहीं है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब समझिए, छत्तीसगढ़ में मनरेगा का विस्तार। देखिए, मनरेगा कब आपका पूरे भारत में मनरेगा की शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006 को जब अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश से इस मनरेगा की शुरुआत हुई, तब इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को शामिल किया गया था। 1 अप्रैल 2007 को इसका विस्तार किया गया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को शामिल किया गया। 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत भर में इसे लागू किया गया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त जिले इसके अंतर्गत शामिल हो गए। देखिए, सीक्वेंस याद कीजिएगा, 2 फरवरी को ये आपका इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद 1 अप्रैल। ईयर भी याद करने में आसानी होगा, 2006 2007 2008, सीक्वेंस में है। ठीक, 2006 को 11 जिले शामिल, 2007 को 4 जिले शामिल, 2008 को छत्तीसगढ़ के पूरे जिले को शामिल कर लिया गया। ठीक, छत्तीसगढ़ में मनरेगा, देखिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा क्या प्रावधान है मनरेगा का? जैसे कि मैंने बताया, भारत सरकार द्वारा जो आपका मनरेगा अधिनियम लाया गया था, उसमें कम से कम 100 दिन के रोजगार दिए जाने की बात कही गई थी। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, अतिरिक्त रोजगार दिवस राज्य सरकार दे सकती है, लेकिन उस अतिरिक्त रोजगार दिवस का जो आपका व्यय होगा, उस व्यय का वहन राज्य सरकार करेगी। समझना, देखिए ये जो आपका रोजगार दिवस है, रोजगार दिवस जो कम से कम 100 दिन का रोजगार है, ये 100 दिन का रोजगार ये देगी आपकी भारत सरकार, ये देगी आपकी भारत सरकार। 50 दिन का जो अतिरिक्त रोजगार है, ये दे रही है हमारी राज्य सरकार। हमारे छत्तीसगढ़ में 150 दिन का रोजगार दिवस दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। हमारे प्रदेश में 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, समझिएगा। तो ये जो 100 दिन का रोजगार दिवस है, इसका जो भुगतान है वो भारत सरकार करती है। ये जो अतिरिक्त 50 दिन का जो रोजगार दिवस जो राज्य सरकार देती है, उसका भुगतान राज्य सरकार वहन करती है, उस व्यय का वहन राज्य सरकार करती है। ठीक, अब समझिएगा, मजदूरी दर, इस मनरेगा के अंतर्गत हमारे प्रदेश में जो मजदूरी दर है वो है 174 रुपये प्रतिदिन, यानी एक दिन कार्य करने का 174 रुपये उसे मजदूरी की दर के रूप में दिया जाएगा। ये स्थिति है आपके
अप्रैल 2018 तक की स्थिति में मजदूरी दर है आपका 174 रुपये प्रतिदिन। ठीक, अब समझिएगा, मनरेगा बजट 2019-20 यानी केंद्र सरकार द्वारा जो इस बार बजट पेश किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके अंतर्गत मनरेगा को कितनी राशि आवंटित की गई है, कितनी राशि, देखिए मनरेगा के अंदर राशि आवंटित क्यों किया जा रहा है, जो मजदूरी दर है, मजदूरी दर दिए जाने के लिए तथा उसके अलावा मजदूरी दर के साथ साथ जो उसमें अतिरिक्त आपके खर्च होते हैं, जो जैसे उसके सामानों में या मजदूरों को जो सामान दिया जाता है, ये सारे के सारे आपके इसके लिए एक बजट पेश किया जाता है, यानी एक रोजगार मजदूरी दर के साथ साथ उस कार्य को किए जाने के लिए जो उसमें सामान उपयोग किए जाते हैं उस पर भी खर्च होता है। ठीक है, देखिए वो कौन से, उतने डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाते आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए केंद्रीय बजट और छत्तीसगढ़ बजट, केंद्रीय बजट 2019-20 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ बजट 2019-20 में मनरेगा के लिए आपका 1524 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। ये बजट है 2019-20 यानी इस साल का बजट। अब समझिएगा, सृजित मानव दिवस मतलब मनरेगा के लिए जो लोगों को आपका रोजगार दिवस उपलब्ध कराया गया वो कहलाता है सृजित मानव दिवस। समझिएगा, देखिए वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 जो कि सितंबर तक की स्थिति में, पहले 17-18 को देखिए, इस मनरेगा के अंतर्गत 1199 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मनरेगा के अंतर्गत 1199 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं। ठीक, तो इस ये जो आपका वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा के अंतर्गत लाभान्वित परिवार कितने हैं, 23.26 लाख यानी 23,26,000 परिवार मनरेगा के अंतर्गत लाभान्वित हुए। अब समझिएगा, वित्तीय वर्ष 2017-18 में ये जो कुल मानव, ये जो आपका कुल सृजित मानव दिवस है इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी रही, 50%। ठीक, 50% यानी लगभग 50% महिलाएं इस मनरेगा के अंतर्गत 50% महिलाओं को आपका रोजगार मिला। समझिएगा, देखिए ये जो आपका कुल सृजित मानव दिवस है इसमें 50% भागीदारी, यानी जो आपका इसका 50% जो भागीदारी है वो महिलाओं का रहा है। ठीक, नेक्स्ट समझिएगा, वित्तीय वर्ष 2018-19 में ये आंकड़े अभी अपूर्ण है, ये सितंबर 2018 तक की स्थिति में है। देखिए इसमें आपका 710 लाख मानव दिवस सृजित हुए। इसमें लाभान्वित परिवारों की संख्या कितनी है, 18.86 लाख यानी 18,86,000 परिवार इसमें लाभान्वित हुए। ठीक, इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी रही, 51%। अभी ये आंकड़े अधूरे हैं, ये इसीलिए ये आपको ये डाटा कम नजर आ रहे होंगे। ठीक है, जब ये आंकड़े पूर्ण हो जाएंगे तो फिलहाल, लेकिन आप याद रखिएगा इसमें 2017-18 के आंकड़े याद रखिएगा, प्रश्न पूछना होगा तो इसी से पूछा जाएगा। ये आंकड़े अधूरे हैं सितंबर 2018 तक की स्थिति में। सितंबर 2017-18 में 1199 लाख मानव दिवस सृजित हुए जिसमें लाभान्वित परिवारों की संख्या थी आपकी 23,26,000 परिवार लाभान्वित हुए जिसमें महिलाओं की भागीदारी थी आपकी 50%। ठीक, अब समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, महिलाओं की भागीदारी को स्पेशली याद रखिए। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, देखिए इसका जो पूर्व नाम है यानी पुराना नाम है वो है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसे पुनर्गठित करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम रखा गया 1 अप्रैल 2013 को, और 1 अप्रैल 2013 को ही हमारे छत्तीसगढ़ में यह NRLM मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। प्रश्न पूछा गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2013 को आया हुआ प्रश्न है। हमारे प्रदेश में इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को बिहान के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका उद्देश्य BPL युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना। ठीक,
देखिए इसमें स्पेशली जो याद रखना है आपको वो है आपका इसका डेट और इसका नाम बिहान। नेक्स्ट है आपका आरसीटी। आरसीटी का फुल फॉर्म है आपका रूलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कूल। रूलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कूल, इसका भी जो मुख्य उद्देश्य है ये युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल विकास योजना के अंतर्गत उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करके यानी ट्रेनिंग दे करके उन्हें किसी एक संस्था में उन्हें उनका चयन करवाना। समझिएगा, देखिए रूलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कूल इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके लाभार्थी कौन है, कौन हो सकते हैं, 18 से 45 आयु वर्ग के बीपीएल परिवार के युवा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के बीच में है, इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें संस्थानों के माध्यम से 10 से 45 दिन तक का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बाजार डिमांड के आधार पर, मतलब ऐसे ट्रेनिंग दिए जाएंगे उन्हें या ऐसे क्षेत्र में उन्हें ट्रेन किया जाएगा जिनकी बाजार में डिमांड है। जैसे समझ लीजिए आपके मोबाइल या मोबाइल के सॉफ्टवेयर का डिमांड है, या फिर आपके कंप्यूटर रिपेयरिंग का डिमांड है, आपके स्मार्टफोन रिपेयरिंग की डिमांड है, टीवी रिपेयरिंग की डिमांड है, मतलब जिनका मार्केट में डिमांड है उस क्षेत्र में इनको ट्रेनिंग दे करके उनका एक उनका अच्छे मतलब नगरों में महानगरों में उनका चयन करवाया जाएगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, आरसीटी को याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपकी योजनाएं। दो योजनाएं जिनका उद्देश्य सेम है, कॉलम बना करके बताया हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और यह है आपका सीएम मतलब मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना और सीएम ग्राम सड़क योजना, दोनों का उद्देश्य सेम है। समझिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी शुरुआत हुई आपके 25 दिसंबर 2000 को, जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी शुरुआत हुई आपके 23 अप्रैल 2011 को। 25 दिसंबर 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 23 अप्रैल 2011 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य सेम है, ग्रामीण बसाहटों को 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ना। ग्रामीण बसाहटों को यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है, ग्रामीण बसाहटों को 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़े जाने का इसका उद्देश्य है। अब समझिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जब प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऑलरेडी लाया गया है तो उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लाए जाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझना। देखिए इसका मेन कारण है आबादी। इसका जो प्रावधान है, इसके अंतर्गत जो क्राइटेरिया है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र के ग्राम जहां की आबादी 500 या उससे अधिक है, तथा आदिवासी या जनजाति बहुल क्षेत्र जिनकी आबादी 250 या उससे अधिक है, उन ग्रामों को आपका 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक, क्राइटेरिया क्या है, सामान्य क्षेत्र के गांव जिसकी आबादी 500 या उससे अधिक है, आदिवासी बहुल क्षेत्र या जनजाति बहुल क्षेत्र के गांव जिनकी आबादी 250 या उससे अधिक है, उन्हें 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक, लेकिन इसी जो आपके ग्राम, जिन ग्रामों को इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था उनके लिए लाया गया आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पाया जिन ग्रामों को, उनके लिए लाया गया आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अंतर्गत आपका सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जिनकी आबादी 250 यानी 250 या उससे अधिक है, उन्हें आपके मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। देखिए इसमें सामान्य क्षेत्र की आबादी कितनी है, 500 या उससे अधिक। ठीक, लेकिन बहुत से ऐसे गांव है जिनकी आबादी मुश्किल से 250 है, तो उसे जोड़ा गया है आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। सामान्य क्षेत्र के ऐसे ग्राम जहां जिनकी आबादी 250 यानी 250 या उससे अधिक है, उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार किया गया अप्रैल 2014 में। देखिए ये आया था 25 दिसंबर 2000 को, अप्रैल 2014 में इसका विस्तार हुआ। इसके विस्तार के साथ साथ हमारे प्रदेश के सात नक्सल प्रभावित जिले कौन कौन से जिले हैं, बस्तर संभाग के सात नक्सल प्रभावित जिले। ठीक, सात नक्सल प्रभावित जिले के 29 विकास खंड को इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, तथा इसका क्राइटेरिया कम करके आबादी जिनकी ऐसे ग्राम जिनकी आबादी 100
से 249 के मध्य है, तो ऐसे ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बारामासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ये भी फिर दो योजनाएं हैं, एक केंद्र सरकार की योजना है, एक राज्य सरकार की योजना है। कौन कौन सा, देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना दोनों का उद्देश्य सेम, समझिए। 11 अक्टूबर 2014 को लाया गया सांसद आदर्श ग्राम योजना, जबकि 1 अप्रैल 2015 को लाया गया आपका विधायक आदर्श ग्राम योजना। 11 अक्टूबर 2014 सांसद आदर्श ग्राम योजना, 1 अप्रैल 2015 विधायक आदर्श ग्राम योजना। अब समझिए, गांवों को गोद लेकर के, देखिए दोनों का उद्देश्य सेम है, उद्देश्य दोनों का सेम है, सांसद आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना। इसके अंतर्गत जो इनका जो क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद लेकर के उसमें बुनियादी अधोसंरचना विकास करना, शहरों के तर्ज पर, शहरों के तर्ज पर गोद, एक गांव को गोद लेकर के शहरों के तर्ज पर उस क्षेत्र में, उस गांव में बुनियादी अधोसंरचना का विकास करें, यानी उस गांव में स्कूल बनाना, वहां पे जल आपूर्ति करना, बिजली आपूर्ति करना, उसे शहरों के तर्ज पर डेवलप करना, इसका मुख्य उद्देश्य है दोनों योजनाओं का। अब समझना, चयनित ग्राम, इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में 16 ग्रामों का चयन या 16 गाँवों का चयन किया गया है। 16 गाँवों का चयन, देखिए हमारे प्रदेश में या हमारे छत्तीसगढ़ में जो सांसद, कितने सांसद सीट है, टोटल 16 सांसद सीट है, 11 लोकसभा सीट है, 5 आपकी राज्यसभा सीट है, 11 पास 16। तो ये जो 11 पास 16 लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या कहलाते हैं, सांसद। तो हर एक सांसद एक एक गांव को आपका गोद लेगा, यानी टोटल 16 ग्रामों को इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिया गया है। वैसे ही विधायक आदर्श ग्राम योजना, प्रदेश में कितने विधायक है, टोटल 90 विधायक है, इसीलिए 90 ग्रामों का चयन इस विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत किया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब समझिए, नेक्स्ट है आपका रोशनी कार्यक्रम। ये रोशनी कार्यक्रम क्या है, नक्सल प्रभावित जिले हेतु ये जो आपका रोशनी कार्यक्रम लाया गया है, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए लाया गया है। रोशनी कार्यक्रम जिसे NRLM के अंतर्गत लागू किया गया, यानी इसी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसे लाया गया है। इसमें टारगेट देखिए, NRLM का उद्देश्य क्या है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। ठीक, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, इसी के अंतर्गत चलाया जा रहा है आपका रोशनी कार्यक्रम, जो स्पेशली टारगेट कर रहा है नक्सल प्रभावित तथा जनजातीय बहुल क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को। ठीक, देखिए इसके अंतर्गत पात्र कौन होंगे, 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के नक्सल प्रभावित तथा जनजातीय बहुल क्षेत्र के युवा वर्ग। ठीक, इसके अंतर्गत सम्मिलित जिले, इस रोशनी कार्यक्रम का विस्तार कहाँ है, टोटल 8 जिलों में इस रोशनी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसमें बस्तर संभाग के 7 जिले और आपका बलरामपुर जिला। बस्तर संभाग के 7 जिले कौन कौन से हैं, आपका कांकेर है, कोंडा गांव है, बस्तर है, नारायणपुर है, बीजापुर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है, ये 7 जिले, बलरामपुर 8 जिले, इन 8 जिलों में ये रोशनी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, तो जितने डाटा मैंने बताया सारे के सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, रेड कलर में जिस किसी को भी लिखा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनरेगा, बजट में मनरेगा के लिए कितने का प्रावधान किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, साल में होने वाले किसी न किसी PSC या व्यापम एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।